कांग्रेस प्रत्याशी बनने के बाद पहली बार उम्मीदाराम बेनीवाल बाड़मेर जिला मुख्यालय पहुंचे। बाड़मेर पहुंचने पर जगह जगह उनका स्वागत किया गया। बेनीवाल के साथ बायतू विधायक हरीश चौधरी, पूर्व विधायक हेमाराम चौधरी समेत कांग्रेस के दिग्गज नेता मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए उम्मीदाराम ने कहा है कि जनता केंद्र की बीजेपी सरकार को समझ चुकी है और कांग्रेस की ओर देख रही है। हम इस बार चुनाव जीतेंगे और इस बार बड़ा बदलाव होगा। से पूरे बाड़मेर जिले की टीम ने और कार्यकर्ताओं ने मेरे ऊपर भरोसा करके और शीर्ष नेतृत्व में भरोसा करके कांग्रेस पार्टी की जो उम्मीदवार बनाया बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र से, इसके लिए मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और पूरी बाड़मेर की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपकी भावनाओं को समझ कर पार्टी ने ये निर्णय लिया। के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आरोप पत्र दाखिल किया है। इन तीनों पर भारत विरोधी एजेंडे को बढ़ावा देने में थे शामिल होने का आरोप है। ये रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आतंकी संगठन आईएस के मॉड्यूल मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। केंद्र जांच एजेंसी एनआईए ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए आतंकी संगठन आईएस से जुड़े हुए एक मामले में तफ्तीश के दौरान में कई महत्वपूर्ण सबूतों को इकट्ठा किया गया। इस मामले में कई अन्य आरोपियों का बयान जो है वो दर्ज किया गया और उसके बाद इस मामले की तफ्तीश के दौरान ये पाया कि उन तीन संदिग्ध ऐसे आतंकी जिसका कनेक्शन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, झारखंड और महाराष्ट्र से है और ये इन राज्यों में एक बड़े आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए अलग अलग युवाओं को अपने इस गैंग में शामिल करने की तैयारी कर रहे थे। एनआईए के विशेष अदालत पटियाला हाउस में आरोप पत्र दायर किया गया। आरोपियों पर आईएस मॉड्यूल के माध्यम से आईएस के लिए विस्फोटक बनाने, भर्ती करने, धन जुटाने की साजिश रचने के आरोप लगाए गए हैं। एनआईए ने बयान में कहा। और इस बीच एक बड़ी खबर लोकसभा चुनाव से जुड़ी सामने आई है। बीजेपी में आज बड़े लेवल पर ज्वाइनिंग, निर्दलीय एमएलए थामेंगे बीजेपी का दामन, चंद्रभान आकिया बीजेपी का दामन थामेंगे, जीवाराम चौधरी, गणेश राज बंसल, ऋतु बनावत भी बीजेपी में शामिल हो सकती है। बड़ी खबर आपको दे रहे बाबूलाल धाल संवाददाता हमारे साथ है, अधिक जानकारी उनसे लेते हैं। बाबूलाल, आज बड़े लेवल पर भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग, क्या जानकारी, कौन कौन से बड़े नेता शामिल हो सकते हैं बीजेपी में? जी, बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की और आज ज्वाइनिंग है बीजेपी की, तो दूसरी सूची के आने से ठीक पहले बीजेपी आज उन निर्दलीय विधायकों को पार्टी में शामिल करने जा रही है जो बीजेपी के प्रत्याशियों के सामने चुनाव जीत करके आए हैं। इनमें जीवाराम चौधरी का बहुत बड़ा नाम है जिन्होंने सांचौर में जो एमपी थे देवजी पटेल, उनकी जमानत जब्त करा दी थी जीवाराम चौधरी ने और देवजी पटेल का फिर पार्टी ने टिकट काट दिया। तो जालौर सिरोही सीट पर बीजेपी मजबूत होना चाहती है इसलिए जीवाराम चौधरी को वापस पार्टी में लाया जा रहा है। इसके अलावा गणेश राज बंसल है जो कि हनुमानगढ़ से चुनाव जीत करके आए हैं, डॉक्टर राम प्रताप के बेटे को हरा करके उनको बीजेपी में लाया जा रहा है। चंद्रभान आक्या का टिकट काट दिया था पार्टी ने चित्तौड़गढ़ से, उनको वापस पार्टी में लाया जा रहा है। और इसके अलावा ऋतु बनावत के भी बीजेपी में शामिल होने की खबरें चल रही हैं। तो आज दोपहर में बहुत बड़ी ज्वाइनिंग आज होने जा रही है और ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की कि बीजेपी मिशन 25 को पूरा करने के लिए जो भी संभव उनसे बन पड़ रहा है वो करने की कोशिश कर रही है और इसी कड़ी में आज बहुत बड़ी ज्वाइनिंग, चार विधायकों को अपने पाले में ला करके बीजेपी एक तरह से पीएम मोदी की हैट्रिक का जो मकसद है उसको पूरा करने के इरादों के साथ में नए जोश और नई ऊर्जा और नए संकल्प के साथ में मैदान में उतरना चाहती है। और कांग्रेस पार्टी के खेमे में इस खबर ने जरूर आज खलबली मचाई होगी जब उनके पूर्व सांसद गोपाल सिंह ईड़वा पार्टी छोड़ रहे हैं और चार जो निर्दलीय विधायक हैं ये बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। तो ऐसे में आज का जो दिन है वो एक तरह से बीजेपी कांग्रेस पार्टी के लिए फिर टेंशन वाला है और बीजेपी का जोश भी बढ़ेगा, हौसला भी बढ़ेगा और उनके कार्यकर्ताओं में पीएम मोदी के को तीसरी बार पीएम प्रधानमंत्री बनाने के लिए वो जी जान से जुटते हुए नजर आएंगे। बाबूलाल, आप जिन लोगों का नाम ले रहे हैं क्योंकि सभी बड़े नेता हैं, आपकी तरफ से जानकारी भी दी गई है, चंद्रभान आक्या की अगर हम बात कर लें या फिर हम जीवाराम की बात कर लें क्योंकि अपने आप में वरिष्ठतम नेता है और अच्छी धाक रखते हैं, कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा और किन किन रीजनों पर खासकर फोकस रहेगा?
जी देखिए चंद्रभाना, क्या चित्तौड़गढ़ से चुनाव जीत करके आए, लगातार चुनाव जीत रहे हैं, पहले बीजेपी के विधायक थे और इस बार उनका टिकट काट करके नरपत सिंह राजवी जो कि वैरव सिंह शेखावत के दामाद थे उनको चित्तौड़गढ़ भेजा था, क्या ने अपनी ताकत का लोहा मनवाया, निर्दलीय मैदान में कूदे और चुनाव जीत गए। और इसके अलावा रितु बनावट जो कि बयाना से चुनाव जीत करके आई हैं, बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया था, निर्दलीय उम्मीदवार थी, लोकसभा का चुनाव सामने है, भरतपुर की जो विधानसभा लोकसभा सीट है वहां पर मान रहे हैं कि मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कड़ा हो सकता है, तो ऐसे में बीजेपी किसी भी तरह की मुश्किल नहीं चाहती, कोई चुनौती नहीं चाहती, इसलिए रितु बनावट को भी पार्टी में लाया जा रहा है, ऐसी खबरें चल रही है, हालांकि उनसे हमारी कोई बात नहीं हुई है लेकिन खबरें हैं कि उनको भी पार्टी में लाया जा सकता है। इसके अलावा गणेश राज बंसल जो कि हनुमानगढ़ से चुनाव जीत करके आए हैं, बीजेपी से टिकट मांगा था, नगर परिषद के चेयरमैन रहे हैं और श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में किसान आंदोलन का असर रहा है, ऐसे में बीजेपी को लगता है कि वहां का जो किसान समुदाय है, खासतौर से जो सिख मतदाता है, जाट समुदाय का जो वोट है, वो कहीं कांग्रेस की तरफ मजबूती के साथ शिफ्ट ना हो जाए, ऐसे में गणेश राज बंसल को लाया जा रहा है ताकि बीजेपी और ज्यादा मजबूत हो जाए उस एरिया में जहां पर लोग कह रहे हैं कि यहां पर बीजेपी को कड़ी चुनौती पेश करेगी कांग्रेस पार्टी। तो एक तरह से बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ी खबर है, बीजेपी के कैंप में इस वक्त खुशियों की लहर महसूस की जा सकती है और तमाम जो नेता और कार्यकर्ता बिल्कुल खुशियां भी है क्योंकि बाबूलाल ये रूठे हुए लोग थे जिन्हें मना लिया है और वापसी कर रहे हैं, तो अपने आप में भारतीय जनता पार्टी में खुशी है कि कहीं भी वोट का ध्रुवीकरण नहीं हो पाएगा। जी बिल्कुल, वोटों का बंटवारा नहीं चाहती और इनका सहयोग चाहती है बीजेपी, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल अपने दम पर ट्रबल शूटर बने हुए हैं पार्टी के, खुद फैसले ले रहे हैं और जो भी नाराज नेता थे उन सबको मनाने के लिए पहल कर रहे हैं, एक एक नेता को बुला करके बात कर रहे हैं, संवाद कायम कर रहे हैं और जिन नेताओं के आपस में जो यानी कि हित टकरा रहे थे उन नेताओं को एक साथ बैठा करके और जीत की रणनीति बना रहे हैं। तो एक तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल की जो कोशिशें हैं वो परवान चढ़ रही हैं और वो एक मंझे हुए राजनेता की तरह से फैसले ले रहे हैं और यही बात जो है उनको बड़े नेताओं में शुमार करा रही है कि लोग ये कह रहे थे कि भजनलाल जी को ज्यादा सियासी तजुर्बा नहीं है, पहली बार के एमएलए सीधे मुख्यमंत्री बने, लेकिन उन्होंने अपने फैसलों से चौंकाया है और पहली बार इस तरह की जो बड़ी बड़ी ज्वाइनिंग आप देख रहे हैं, ऐसी कभी ज्वाइनिंग बीजेपी कार्यालय कभी गवाह नहीं बना था, आज जो चीजें होती हुई आप देख रहे हैं वो बहुत बड़ी है अपने आप में और माना यही जा रहा है कि आज की ज्वाइनिंग के बाद में बीजेपी का और ज्यादा आत्मविश्वास बढ़ेगा और वो मिशन 25 को पूरा करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगी। और आज बाबूलाल सीएम दिल्ली भी जा रहे थे, उससे पहले ये बड़ी ज्वाइनिंग करा के जा रहे हैं, ये भी अपने आप में बड़ा डिसीजन है। जी बिल्कुल, यही तो ताकत है बीजेपी की, जब भी कोई बड़ा निर्णय होता है उससे पहले कुछ ना कुछ और बड़ा करने की कोशिश होती है, तो दोपहर में ये ज्वाइनिंग होगी, उसके बाद में सीएम और प्रदेशाध्यक्ष बड़े हुए हौसले आत्मविश्वास के साथ दिल्ली जाएंगे, टिकट फाइनल करेंगे और फिर जो है सूची आएगी तो उसमें बहुत कुछ होता हुआ दिखेगा। इनको इनको यही आश्वासन दिया गया है विधायक जो निर्दलीय विधायक है उनको कि आप जो हैं पार्टी के मजबूत स्तंभ हैं, आपका मान सम्मान बरकरार रहेगा, आपके कोई काम नहीं अटकेंगे और पूरे 5 साल आप पार्टी के साथ खड़े रहेंगे, तो आपका जो राजनीतिक भविष्य है वो कहीं भी उसमें कोई संकट नहीं आएगा, आप पार्टी की ताकत हो। तो उन लोगों को भी पार्टी ने कॉन्फिडेंस में लिया है जो बीजेपी की टिकट पर इन जगहों पर चुनाव लड़े थे, उनको भी साथ लेकर के चलने की कोशिश है ताकि उनमें नाराजगी ना पनपे, तो उनका भी उनकी भी सहमति ली गई है, उनको भी राजी किया गया है और निर्दलीय विधायकों का साथ लेकर के बीजेपी लोकसभा चुनाव की बेतरनी को पार करना चाहती है, मगर बढ़े हुए आत्मविश्वास के साथ, पूरी ताकत के साथ, कार्यकर्ताओं के दम पे और भजनलाल मुख्यमंत्री भजनलाल के फैसलों की ताकत जो है ये। ठीक है बाबूलाल, मैं लौटती हूँ आपके पास, रितु बनावट इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ है। मैम बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा, बीजेपी ज्वाइन कर रही है आज, खबर आई है? बीजेपी का समर्थन तो मैंने पहले ही दे रखा है और अभी आज सारे जो टीम है और जिनको जिन लोगों को पार्टी से बाहर निकाला गया था वो सब वापस बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है ऋतु जी, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी। जी क्षेत्र का विकास सबसे बड़ी प्राथमिकता है, क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा विकास कार्य हो, उसके लिए मैंने पहले भी शुरुआत में जब सरकार बनी तब उसको समर्थन किया था। ठीक है, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है और बीजेपी आप ज्वाइन कर रही हैं, क्या मोटिव, क्या सोचा? नहीं कर रही हूं, मैं हाँ। समर्थन दे रखा है मैंने पहले ही। ठीक है, पार्टी को समर्थन तो मैं पहले ही दे चुकी हूँ। हाँ, जब सरकार बनी थी तभी मैंने समर्थन दे दिया था। आज तो जो
जो कार्यकर्ता हैं जो चुनाव में मेरे साथ जुटे थे वो लोग ज्वाइन वापस कर रहे हैं बीजेपी। ठीक है, तो आपका समर्थन है, आज ज्वाइनिंग कार्यक्रम में आप रहेंगी? जी, रहने वाली हूँ। ठीक है ऋतु जी, क्या लग रहा है, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव नजदीक है, मैं आपसे जानना चाहूंगी बीजेपी में आज आपके साथ कई सारे और निर्दलीय विधायक भी हैं जो मौजूद रहने वाले हैं, कितनी मजबूती आपकी तरफ से दी जाएगी? ठीक है, संगठन को मजबूत करने के लिए हम पहले भी लगे रहे थे और मैं तो पार्टी की कार्यकर्ता बहुत लंबे समय से रही हूँ, कुंडे को मजबूत करने का काम तो हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी भी है, तो हम सब मिलकर पूरी कोशिश करेंगे कि लोकसभा चुनाव में मजबूती के साथ पार्टी के साथ खड़े रहें। ये भी जानना चाहूंगी और कौन कौन निर्दलीय विधायक हैं आपके साथ आज जो मौजूद रहने वाले हैं? मेरी जानकारी में लगभग सभी विधायक रहने वाले हैं जो निर्दलीय हैं। आप नाम बताएंगी कुछ जानकारियां जो आपकी तरफ से शेयर कर दी जाए? चौधरी, चंद्रपाल सिंह जी आकिया, रविंद्र सिंह जी भाटी, प्रियंका जी, सब लोग रहने वाले हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद। हाँ बताइए, आप कुछ बोल रही थी? गणेश सर जी बंसल भी रहने वाले हैं। ठीक है ऋतु जी, बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। तो सुना आपने, पार्टी को पहले ही समर्थन दे चुकी हूँ और आज जो है कार्यकर्ताओं की ज्वाइनिंग रहेगी और ज्वाइनिंग कार्यक्रम में वो भी रहने वाली है। बाबूलाल, ऋतु अभी हमारे साथ फोन लाइन पे थी, जिनकी तरफ से कह दिया गया है, मैं लौटती हूँ आपके पास। चंद्रभान आकिया निर्दलीय विधायक इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ है, बहुत धन्यवाद सर अपना समय देने के लिए। बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं आज, बड़ी जानकारी सामने आई है। बीजेपी तो मैं ज्वाइन नहीं कर सकता, मैं निर्दलीय विधायक हूँ, पर मैं पार्टी को समर्थन दिया था, पहले भी दिया और पार्टी का समर्थन दे रहा हूँ। तो मतलब आप बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं आज, ज्वाइनिंग कार्यक्रम में तो रहेंगे आप? हाँ, उस कार्यक्रम में फोन आया था, कार्यक्रम रहने का है और पार्टी को समर्थन दूंगा, पार्टी ज्वाइन, निर्दलीय विधायक कभी पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता है। ठीक है, चंद्रभान जी क्या विजन रहने वाला है, लोकसभा चुनाव नजदीक है, अब लोकसभा चुनाव में मोदी जी को जिताना है, मोदी जी के साथ रहना है और मोदी जी के, हम पहले भी मैं पार्टी में था तो मोदी जी के साथ थे, आज भी मोदी जी के साथ हूँ और भविष्य में मोदी जी के लिए काम करेंगे। ठीक है चंद्रभान जी, क्योंकि इस वक्त जो है बीजेपी अपने आप को मजबूत करने में लगातार लगी हुई है, आपका कितना समर्थन रहने वाला है आज, आपके साथ साथ कौन कौन ज्वाइनिंग रहेगा और कितने कार्यकर्ता आपके साथ रहने वाले हैं आज, क्योंकि बहुत सारे निर्दलीय एमएलए हैं जो बीजेपी का दामन थामेंगे ऐसी खबरें आ रही है। हाँ, दूसरे किसी विधायक से मेरी बात नहीं हुई, मेरे तो आज फोन आया था, मैं चित्तौड़ से निकला हूँ और अभी मैं घंटे भर में जयपुर पहुंचूंगा। ठीक है चंद्रभान जी, क्योंकि अभी एक बड़ी बैठक हुई थी जहां पर आपने समर्थन किया था, लेकिन अभी खबरें आई थी कि आप बीजेपी का दामन थामेंगे, बीजेपी के हो जाएंगे, लेकिन आपकी तरफ से पुष्टि? हाँ, बीजेपी का दामन मैं नहीं थाम सकता, बीजेपी का दामन थामने के बाद मेरी निर्दलीय विधायक कभी नहीं थाम सकता है, समर्थन दे सकते हैं, समर्थन देंगे। मतलब आप लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से करते नजर आएंगे? बस यही। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो सुना आपने, चंद्रभान आकिया हमारे साथ एमएलए चित्तौड़गढ़ से जो हैं, उनकी तरफ से जानकारी दी गई है कि आज वो बीजेपी को समर्थन तो दे चुके हैं, ज्वाइनिंग कार्यक्रम में रहेंगे, आगे बीजेपी की तरफ से जो प्रचार प्रसार होगा और लोकसभा चुनाव को लेकर उसमें उनका पूरा समर्थन जो है वो भारतीय जनता पार्टी को रहने वाला है। तो फिलहाल ऋतु बनावत की तरफ से भी जानकारी दे दी गई है कि वो भी अब बीजेपी को समर्थन दे रही हैं और जहां पर वो बीजेपी के पक्ष में जो है माहौल बनाएंगी और बीजेपी का साथ देंगी इस लोकसभा चुनाव में, उनकी तरफ से भी अनाउंसमेंट कर दिया गया है।